बिहार पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है और इसके साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना के बाद ग्राम पंचायत किसी भी योजनाओं की राशि की निकासी नहीं कर सकेगा सिवाय नल जल योजना के। आपको बता दें कि पंचायती राज विभाग की योजनाएं यदि पहले से स्वीकृत हैं और योजना का काम शुरू हो गया है तो उस पर रोक नहीं लगेगी, लेकिन अगर नए सिरे से काम शुरू करना है तो उस पर रोक रहेगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि बाढ़ प्रभावित जिलों के प्रखंडों में अंतिम चरण में मतदान होगा, क्योंकि आयोग का मानना है कि अमूमन 15 सितंबर के बाद मॉनसून खत्म हो जाता है और इसके बाद भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव को लेकर काफी समय रहेगा। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवारों को ऑनलाइन और ऑफलाइन नामांकन की सुविधा भी दे दी गई है। नामांकन को लेकर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से राशि जमा कर सकेंगे। हालांकि ऑनलाइन नामांकन के लिए एक बार उम्मीदवार को निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में जाना पड़ेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि सुविधा ऐप के माध्यम से उम्मीदवार रैली या जनसभा करने को लेकर ऑनलाइन आवेदन देकर स्वीकृति प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के माध्यम से कोई भी मतदाता अपने मतदान केंद्र की जानकारी, मतदाता सूची में नामों की जानकारी, उम्मीदवारों के बारे में जानकारी सहित अन्य प्रकार की जानकारियां ले सकेंगे। इस बार पंचायत चुनाव के दौरान पद के हिसाब से अधिकतम चुनाव खर्च की सीमा पहले ही निर्धारित कर दी गई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि यह राशि कितनी है। वार्ड सदस्य और पंच के लिए 20-20 हजार रुपए, मुखिया और सरपंच के लिए 40-40 हजार रुपए, पंचायत समिति सदस्य के लिए 30 हजार रुपए और जिला परिषद सदस्य के लिए 1 लाख रुपए निर्धारित है। साथ ही आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर हेल्पलाइन नंबर 1800-3457-243 जारी किया है। इस नंबर पर कोई भी मतदाता अपनी शिकायत, सुझाव या जानकारी दे सकेंगे और अपने सवालों के जवाब पा सकेंगे। हेल्पलाइन नंबर को लेकर आयोग में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। आपको बता दें कि मतगणना के दौरान आयोग द्वारा माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की जाएगी, साथ ही ऑनलाइन निगरानी भी की जाएगी। साथ ही मतदान केंद्रों पर बायोमेट्रिक्स के इस्तेमाल को लेकर तैयारी की जा रही है। वहीं मतदान केंद्रों की लाइव वेबकास्टिंग भी कराई जाएगी। बता दें कि राज्य में करीब 2.5 लाख पदों के लिए 8 से 10 लाख प्रत्याशियों द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत व ग्राम कचहरी के पदों के लिए नामांकन किया जाएगा। पंचायत चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें हम आपके सामने लाते हैं सुबह 8 बजे बिहार तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी जानकारियों और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहार तक।